हेलो दोस्तों, वेलकम टू फार्माकोरीज। आज का ये वीडियो फ्रेशर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जॉब के रिगार्डिंग है। सो, इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि अगर आप फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन में, फार्मास्यूटिकल में क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल या फिर रेगुलेटरी अफेयर, कोई भी फील्ड में आप डिप्लोमा इन फार्मेसी है या बी फार्मा है या एम फार्मा है या बीएससी और एमएससी भी इस फील्ड्स में आते हैं, तो उनकी जॉब का जो वॉक इन इंटरव्यूज होते हैं, जॉब की जो वैकेंसी आती है वो कहाँ से मिलेगी आपको, आप फर्स्ट जॉब कैसे पाएं उसमें, क्योंकि आपको इसका पहले से एक्सपीरियंस नहीं है। सो, इसके रिगार्डिंग वीडियो है। आपको एचआर के नंबर्स कहाँ से मिलेंगे, जॉब के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन कहाँ से करें या फिर ऑफलाइन वॉक इन इंटरव्यूज में कैसे अपीयर करें, उसके रिगार्डिंग है। मेरा नाम अशोक है, मैंने एक साल मुझे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन में मेरा एक्सपीरियंस है जाइडस हेल्थ केयर में एज ए प्रोडक्शन ऑफिसर। सो, वीडियो स्टार्ट करते हैं हम कि जब हम कॉलेज से निकलते हैं बी फार्म करके या डिप्लोमा इन फार्मेसी डी फार्मा करके, तो हमें पता नहीं होता है कि वैकेंसीज कहाँ पे आती है, कैसे अप्लाई करना होता है। तो इनमें बहुत सारे वेज है, बहुत सारे तरीके हैं जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो सबसे ईजी और वो है ऑनलाइन एप्लीकेशन, उसके बारे में लिखा है, और सेकंड ऑफलाइन जिसमें कोई रेफरेंस वगैरह उनके बारे में लिखा है। अगर आप वीडियो लास्ट तक देखते तो मुझे लगता है कि अगर आप सच में जॉब करना है आपको और ढूंढना है तो इससे हो जाएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो ऑनलाइन में जो सबसे पहला टाइप है जिसमें मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जो कि सबसे इफेक्टिव भी, जो मैं कभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को किसी कंपनी में किसी एचआर से बात करनी है, तो मैं ये सबसे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि लिंक्डइन। आपको, आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा कि लिंक्डइन एक प्रोफेशनल एप्लीकेशन है जिस पे आप अपना आईडी बना सकते हैं, अपना, जैसे आप इंस्टाग्राम वगैरह पे नहीं बनाते वैसे इस पे आईडी बना सकते हैं, ठीक है। इस पे एक प्रोफेशनल एप्लीकेशन के साथ साथ सारी जो भी कंपनीज है, जो भी एमएनसीज है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज, कोई भी फार्मा रिलेटेड कंपनी, सारी कंपनी ने इसके ऊपर अपना आईडी बनाए रखा होता है। तो अपन कर कह सकते हैं अपनी आईडी, जैसे लिंक्डइन हम, मैंने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया, उसमें अपनी आईडी बनाई और उसके बाद मैं उस पर रेज्यूमे भी अटैच कर सकता हूँ, और बहुत सारे वहाँ से अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से वहाँ के एचआर उस लिंक्डइन प्रोफाइल के से भी अपने को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन वो कब करें उसका आइडिया नहीं है और बहुत टाइम भी लग सकता है उसमें। तो हमें क्या करना है, लिंक्डइन में सारी जो भी कंपनीज है उनके डेटा होते हैं, उनके वहाँ पे आईडीज होती है, तो उस कंपनी की आईडी में गए, पर्टिकुलर कंपनी, जैसे फार्मेसी में बहुत सारी कंपनीज है जो कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन में जॉब देती है, जिसमें जाइडस हेल्थ केयर हो गया, टोरेंट हो गया, कैडिला हो गया, और बहुत सारी कंपनीज, अच्छी अच्छी कंपनीज है जिसमें, ठीक है, इंटास फार्मास्यूटिकल कंपनी हो गई और एबर्ट हो गया, तो उन सब की लिंक्डइन पे आईडी है। उस आईडी पे जाइए आप, और उस आईडी में दो तीन ऑप्शन होते हैं, जॉब का, पीपल्स का, उसमें जो लोग रहते हैं उनका भी ऑप्शन है, जिसमें जो, जैसे कोई कंपनी में, एक एबर्ट की बात करता हूँ, एबर्ट फार्मास्यूटिकल में मैं लिंक्डइन पे सर्च किया उसको, वहाँ पे एबर्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी के जॉब में गया, अगर वहाँ जॉब दे रही है तो वहाँ पे अप्लाई कर दो, अगर वहाँ पे जॉब में नहीं है, कई बार क्या होता है कि लिंक्डइन पे जॉब नहीं डालते हैं, वॉक इन इंटरव्यूज करा देते हैं जो कि बाहर उनकी न्यूज ही नहीं आती, पता ही नहीं चलता है लोगों को। तो लिंक्डइन में वहाँ के एचआर, उस लिंक्डइन में उससे जुड़े होंगे, वहाँ पीपल्स में वहाँ के एचआर, वहाँ के जो एम्प्लॉयज है, बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे, उनको रिक्वेस्ट भेजिए, जब वो एक्सेप्ट करते हैं तो उनको मैसेज करिए, और उनको मैसेज में बोल दीजिए कि भाई आपके एचआर के नंबर या बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स वहाँ से मिल जाते हैं। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं लिंक्डइन पे लोगों से रिलेशन बनाता हूँ, वहाँ पे उनसे बात करके या उनसे एचआर के कॉन्टैक्ट ले लेता हूँ, या वहाँ पे एचआर के भी लिंक्डइन में प्रोफाइल होते हैं, उनकी मेल आईडी पे मैं मेल कर देता हूँ। सो, पहला तरीका और इफेक्टिव तरीका तो मुझे ये लगा। दूसरा, कई ऑनलाइन साइट्स होती है उन पे अपने को वैकेंसीज आती रहती है, जिसमें जो सबसे मेन मेरे को ऐसा लगा कि jobavailables.com, आप गूगल पे jobavailables.com सर्च करिए, उसमें बहुत सारी फार्मा रिलेटेड ये सब सारी कंपनीज, जिसमें बी फार्म, एम फार्म, जो भी रिक्वायरमेंट होती है, नई नई वैकेंसीज आती है वो आ जाती है, और इन सब के मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा,
और व्हाट्सएप ग्रुप भी होते हैं, जैसे jobavailable.com का व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके भी मैं नंबर या आपको स्क्रीनशॉट साइड में दिखा दूंगा। सो और है फार्मा जॉब अलर्ट और जीपेट इंडिया और फार्मा विजिट, ये सारी वेबसाइट गूगल पे आपको मिलेगी। वहाँ पे अपना रजिस्टर भी कर सकते हैं जिसमें ईमेल आईडी वगैरह डालना होता है, तो मेल भी आ जाते हैं बहुत सारे, और ये इफेक्टिव तरीका है मेरे हिसाब से इसमें आपको। और उसके बाद भी अगर आपको जो आपकी पसंदीदा या मेन जिसी जो आपकी लोकेशन के हिसाब से उस कंपनी में जॉब नहीं मिल रही है आपको, तो कुछ एक ऑफलाइन तरीके जैसे, और सबसे इफेक्टिव यही है इसमें कि रेफरेंस, आपका अगर कोई रेफरेंस है, आपका सीनियर, आपका क्लासमेट, आपके दोस्त या फिर कोई टीचर जिसको ये रेफरेंस हो और जिसके कॉन्टेक्ट्स हो अच्छे, तो उनसे आप मिल सकते हैं। आपके सीनियर्स इसमें बहुत हेल्प कर सकते हैं क्योंकि ये रेफरेंस आपको जॉब दिलाने में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो आप अपने सीनियर से मिलिए और उनसे बात करिए, एचआर के नंबर लीजिए और वहाँ से हो सकता है इजीली। दूसरा है कि वॉक इन इंटरव्यूज होते हैं, उसमें आप डायरेक्टली जा सकते हैं। अब वॉक इन इंटरव्यूज का पता कैसे चलेगा, वो इनसाइड से पता चल सकता है या फिर सीनियर से पता चल सकता है। और थर्ड जो कि बहुत अच्छा एक तरीका है, जिसमें क्या है कि बहुत सारी फार्मा कंपनीज, अगर मैं सिंपली अहमदाबाद की बात करूं या गुजरात की बात करूं, जैसे बहुत सारी लोकेशंस में कंपनीज है, फार्मा इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ है, गुजरात में देखे तो अहमदाबाद है, वडोदरा है, महाराष्ट्र में है, उधर इंदौर में है, बद्दी हिमाचल में है, हैदराबाद में है, बहुत सारी लोकेशंस है। लेकिन मैं अहमदाबाद या यहाँ की बात करूँ, तो वहाँ पे जाइडस, टोरेंट, कैडिला, बहुत सारी कंपनीज है, तो वो उनके कंपनी में सीधे उसके प्लांट में चले गए और जाके जो वहाँ के एचआर होते हैं उनसे मिल लो सीधा जाके, और बोल दो कि हमको एक रेज्यूमे की कॉपी लेके जाओ और बोलो कि हमको इंटरव्यू देना है या जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो अगर वहाँ पे वैकेंसी होगी तो हाथों हाथ आपका इंटरव्यू ले लेंगे, नहीं तो ऐसा बोल देंगे कि उस दिन हमारा वॉक इन इंटरव्यू है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या है कि उस सिटी में जाना पड़ेगा, अगर आपका वहाँ कोई रिलेटिव रहता है तो उसके वहाँ स्टे कीजिए और वहाँ की जो ही कंपनी है उसके वहाँ जाइए और एचआर से मिल लीजिए, ये बहुत इफेक्टिव तरीका है। तो ये कुछ तरीके हैं जहाँ से आपको वैकेंसीज पता चल सकती है। और एक मैं अपनी राय देना चाहूँगा कि ये अगर आप फार्मा इंडस्ट्री में जाने का डिसीजन ले रहे हैं तो बड़ा सोच समझ के लेना है आपको, क्योंकि एक ये आप डिसीजन लेंगे उस कंपनी में, आपको हो सकता है कि इस डिसीजन से आपकी आगे की जिंदगी तय हो, है ना। एक बड़े दार्शनिक ने कहा है ना कि हम इंसान अपने जीवन की कहानी खुद लिखते हैं, अपने निर्णय से लिखते हैं, अपने डिसीजन से लिखते हैं, कि आज इस परिस्थिति में मैं क्या डिसीजन ले रहा हूं ये मेरे आगे की कहानी लिखेगा, आगे की लाइफ की कहानी लिखेगा, है ना। तो बड़ा सोच समझ के सारे प्रोस्पेक्टिव को ध्यान में रखते हुए लें, आपका फैमिली, आपका रिलेशन प्रोस्पेक्टिव और आपके जो जो लोकेशन है उसका प्रोस्पेक्टिव भी देखें, क्या मैं शिफ्ट कर सकता हूँ, क्योंकि जो ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन है, क्वालिटी एश्योरेंस है, उनमें ज़्यादातर में स्टार्टिंग में आपको कुछ साल, कपल ऑफ ईयर्स आपको नाइट शिफ्ट भी करना पड़ेगा, तो इसका पहले से प्रोस्पेक्टिव ध्यान में रखें और फिर डिसीजन लें, ठीक है। और एक और मैं बात बनाना चाहूँगा, मैंने एक साल प्रोडक्शन में काम किया और मैंने उसके बाद जीपेट से मैं एम फार्मा कर रहा हूँ और टीचिंग में आया हूँ, तो मैंने एक साल से वहाँ क्विट कर दिया क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं मेरी स्ट्रेंथ वहाँ पे अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ या मेरी मुझे ये जॉब सूट नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है, जॉब बहुत अच्छी है, अच्छे वहाँ पे सैलरीज होती है और लॉन्ग टर्म में अच्छा इनकम भी कर सकते हैं आप, लेकिन सबको ऐसा नहीं है कि सारी जॉब सबके लिए बनी है। तो आपकी स्ट्रेंथ के हिसाब से आपको अगर अच्छी लगती है तो आप बिल्कुल स्टे कीजिए, लेकिन अगर आपको ऐसा लग जाता है कुछ 3-4 मंथ्स में ही कि भाई हाँ इस जॉब में मैं अच्छा कर सकता हूँ, इसमें इस कॉम्पिटिशन को मैं फाइट कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं अव्वल ला सकता हूँ, बहुत अच्छा कर सकता हूँ, आने वाले कुछ साल में मैं अपने आपको यहाँ देखता हूँ, तो इट्स फाइन, आप करिए, आपके लिए ये जॉब बनी है। लेकिन अगर किसी को लगता है कि मैं फैमिली को छोड़ के या मेरी लोकेशन से दूर नहीं आ सकता, मुझे सोशल इनकम्पैटिबिलिटी है या कुछ भी ऐसा है, तो मैं कुछ साल करके फिर छोड़ दूंगा, तो इससे अच्छा है कि आप करें ही ना, आपका इतना टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। तो ये ज़रूर आप एक बार इस पे सारे पर्सपेक्टिव को देखें और उसके बाद आप जॉब के लिए अप्लाई करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।
ऐसे ही फार्मा रिलेटेड, फार्मा मार्केटिंग हो, इंडस्ट्री हो, कोई भी इससे रिलेटेड, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.